ये मशीन वजन लेने के लिए है। तुम्हारा वजन ही कहाँ है? देखो कांटा हिल तक नहीं रहा। कुछ खाया पिया करो यार। ओए यार, कृपया एक एक करके चढ़े। हंसने की जरूरत नहीं, मैं अपना वजन इतना कम कर लूंगा कि तुम लोगों की हंसी ही बंद हो जाएगी। और मैं अपना वजन बढ़ा के दिखाऊंगा। कब? इस जन्म में के अगले जन्म में आए। ये बात समझ में नहीं आ रही। तुम वजन कम करने के लिए जॉगिंग कर रहे हो और मैं वजन बढ़ाने के लिए जॉगिंग कर रहा हूँ, लेकिन एक ही तरह के एक्सरसाइज से दोनों काम कैसे हो सकते हैं? अरे ये सोचने का वक्त नहीं है, बस दौड़ते रहो। अरे हर हुस, अरे तुम भी हंस रहे हो क्या? भागो, पकड़ो। अरे इन डॉगी को हमसे क्या प्रॉब्लम है? भागो, बचाओ। केले खाने से वजन बढ़ता है। इस तरह तुम्हारा नहीं बंदरों का वजन बढ़ेगा। इस तरह तो पूल का वजन कम होगा, तुम्हारा नहीं। बस बस और नहीं खा सकता, पेट पूरा भर गया। अभी तो सिर्फ एक समोसा ही खाया है, वो भी पूरा नहीं, वजन कैसे बढ़ेगा? अरे समोसे खाने की कला तो मोटू से सीखो। ये देखो, इस तरह तो तुम्हारा वजन कम हो चुका। अरे छोड़ो वजन वजन का चक्कर, जैसे मस्त थे वैसे ही मस्त रहो। हाँ मोटू, कितना मिलीग्राम वजन कम हुआ? पतलू, तुम्हारा कितना वजन बढ़ा? डॉक्टर झटका कहाँ है? उड़ी बाबा, मोटू तुम तो वजन कम करने वाला था, क्या हुआ? और पतलू तुम तो वजन बढ़ाने वाला था, तुम्हारा क्या हुआ? हंसो मत, मेरा मूड पहले से ही ऑफ है। बड़े भैया, ये वजन तो कम हो ही नहीं रहा, कुछ करो। कुछ करो डॉक्टर झटका, कुछ करो। कितनी कोशिश की लेकिन मेरा वजन तो बढ़ता ही नहीं। एक समोसा भी खाया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। बड़े भैया हम बहुत दुखी हैं, वजन कम हो ही नहीं रहा। कभी डॉग्स दौड़ा देते हैं तो कभी स्विमिंग पूल का पानी खत्म हो जाता है। मोटू मेरे बड़े प्रा, ये देखो ट्रेडमिल तुम्हारे लिए खास तौर से बनाई है, आओ इस पे चलो जरा। अरे भैया रोको रोको इसे, अरे ये तो रुक ही नहीं रही, रोको इसे। चिंगम सर बचाओ, रोको इसे। मोटू ने बोला बचाओ, इसका मतलब पहले खुद को बचाओ, बाद में मोटू को बचाओ। भागो। मोटू रुक जाओ, रुक जाओ प्लीज। अरे कैसे रुक जाओ, ये रुकने दे तब तो रुकू। बड़े भैया बचाओ।
अरे मेरी कमर भी कौन सी बची है। ओह मोटू मेरे पाई, इतनी तेज भागने की क्या जरूरत थी। अब गुस्सा मत दिलाओ वरना। गुस्सा थूक दो यार मेरे दोस्त, ये लो ये गोली खा लो, इससे तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। और पतलू तुम ये गोली खा लो, इससे तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा। जय हो, बड़े भैया ये तो कमाल कर दिया। अरे ये क्या कर दिया तुमने, ये तो और कम होता जा रहा है। अरे थोड़ा वजन कम करने को कहा था, ये क्या कर दिया। डॉक्टर झटका, ये क्या कर दिया। अरे थोड़ा वजन बढ़ाने को कहा था, ये तो वजन बढ़ता ही जा रहा है। हमारा वजन ठीक करो, फौरन ठीक करो। भाई अब तो ये नहीं हो सकता मेरे यार, कुछ समय दो, दूसरी दवा बनानी पड़ेगी। ओए मार सुटिया पापड़ वाले नू, पलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। जी भाई साहब, क्या दूं? क्या तुमने हमें नहीं पहचाना? चेहरा तो पहचाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। ये मोटू है और मैं पतलू। ये मोटू है और तुम पतलू। अरे ये कैसे हो गया। डॉक्टर झटका की दवा खा के हमारा ये हाल हो गया। अब आएगा मजा। तुम्हारे हर कर्मों की अब मैं दूंगा सजा। धोबी घाट में कपड़ों की तरह फटकूंगा, गीले कपड़ों की तरह झटकूंगा, मारूंगा 100 लेकिन 10 गिनती पे ही अटकूंगा। वाह बॉस वाह, क्या कविता बनाई है, है ना नंबर 2। हाँ? कविता को छोड़ो, मोटू को पकड़ो। समोसा खाओ और शुरू हो जाओ। अरे इसकी महक ही अच्छी नहीं लग रही, खाओ कैसे। मारो इसे और मारो, आज तक का पूरा हिसाब बराबर करना है, सूद ब्याज के साथ। अरे उस मोटे पतलू को भी पकड़ो। पतलू खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, कुछ करो। आइडिया, चिंगम सर आ गए, चिंगम सर आ गए। मारो मारो प्लीज, हमें मारो, चिंगम सर ने आपको मारने की परमिशन दे दी है। जान प्यारी है तो भागो। चलो अब डॉक्टर झटका के पास चलते हैं। मोटू मेरे बड़े प्रा, मेरे यार, ये देखो, ये दवा खा के तुम दोनों का वजन फिर से पहले जैसा हो जाएगा। मोटू पतलू ऐसे ही अच्छे हैं, मैं जब चाहे इन्हें मार सकता हूँ, और अब ये मुझे डॉन बनने से नहीं रोक सकते। ये दवा इन्हें कभी नहीं मिलेगी। बाय बाय। जल्दी से उसका पीछा करो, मैं ज्यादा दौड़ नहीं सकता। ज्यादा क्या, मैं तो कम भी दौड़ नहीं सकता। पतलू तुम लेट जाओ, मोटू तुम्हारे ऊपर रोल करके चेज करेगा। अरे तुम गोल गोल हो, रोल तेजी से करोगे। तुम दोनों देखो मोटू पतलू कहाँ है। अरे क्या हुआ। बॉस कहाँ हो, बॉस कहाँ हो। अरे बिना ताले की दुकान, मेरी बर्बादी के सामान, मेरे ऊपर खड़े हो दोनों। सॉरी बॉस सॉरी। भागो। जान प्यारी है तो भागो। हमारी दवा दो। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, हिम्मत है तो ले लो। बच्चा।
रहा है। अरे मिस चिंगम, कमर टूट गया जी। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। जॉन, हमारी दवा वापस कर दो, अब तुम लोग भाग नहीं सकते। अब तुम दवा छीन नहीं सकते। ये क्या किया तुमने, पूरी बोतल खाली? ये क्या हो रहा है? अरे रोको, बचाओ। वो तो चला गया, लेकिन अब जल्दी से हमें दवा खिला दो और वापस ठीक कर दो। ओए मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे पास तो उतनी ही दवा थी, अब कुछ नहीं कर सकता क्या? इसे छोड़ना नहीं। बात है भैया, इतनी देर हो गई, अभी तक समोसे नहीं दिए, और कितना इंतजार करवाओगे? जल्दी से गर्मा गर्म समोसे दे दो। तुम्हें भी तो कितने दिन हो गए मेरा उधार नहीं चुकाया, और कितना इंतजार करवाओगे? चलो जल्दी से कड़क कड़क नोट निकालो। मोटू जल्दी कुछ करो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया, चिंगम सर को फोन करता हूँ। हेलो चिंगम सर, कुंडे बच्चों को ले जा रहे हैं। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। सर ये डायलॉग मारने का टाइम नहीं है, एक्शन का टाइम है। तुम दोनों उस बस को रोको, मैं अभी आया। चलो मोटू, चिंगम के आने तक हमें बस को रोकना होगा। चाहिए तो ले जाओ, लेकिन बच्चों को तो छोड़ दो, उन्हें क्यों पकड़ा है? उन्होंने बच्चों को ही किडनैप किया है मोटू। बॉस, मैं सुपारी बोल रहा हूँ, मोटू पतलू रास्ता रोक के खड़े हैं, क्या करूँ? अरे उन्हें उनके किए की सजा दो, अभी के अभी बस से उड़ा दो। अरे अरे पतलू, ये तो हमारे पीछे ही पड़ गया, भागो। आओ आओ, वेलकम वेलकम। सुना है बिना पंख के ही तुम उड़ जाते हो, आज देख लिया कैसे उड़ते हो। किसी को भूख लगी है? मुझे भूख लगी है भैया, बहुत भूख लगी है। क्या खिला रहे हो? तुम्हारे लिए तो बंदूक की गोलियां है। मेनू में कुछ और है क्या? ये बंदूक की गोलियां हजम नहीं होगी। हाँ। तुम्हारे लिए तो सिर्फ एक ही डिश है, और मेरे लिए बहुत सारी। पहली बार तुमसे बड़ा पेटू मिला है, देखो बच्चों का खाना कैसे खा रहा है। ये सुपारी अभी तक आया क्यों नहीं? मोटू पतलू का क्या हुआ बताया क्यों नहीं? एक फोन भी हमें लगाया क्यों नहीं? वाह बॉस वाह, क्या कविता। कविता को छोड़ो, सुपारी को फोन लगाओ। फोन की जरूरत नहीं है बॉस, वो खुद आ रहे हैं। साइड हो जाओ। अरे बॉस हम हैं, और एक मामूली गुंडे के लिए साइड में नहीं हटेंगे। उनसे कहो वो साइड में हटे, वैसे वो कहाँ तक पहुँचे हैं? वो ठीक आगे। बॉस, मोटू ने ऐसा पंच मारा कि तारे देख कर आ रहा हूँ। मोटू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मोटू पतलू को पूरपुरी नगर के बच्चों को बचाने के लिए पूरपुरी नगर बहादुरी पुरस्कार दिया जाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, हमने जो भी किया वो हमारा फर्ज था।
अब तुम सब जाओ और जैसा कहा वैसा करना। यस बॉस। आओ सब। मोटू, मैं तुझसे बदला लेने आया हूँ, हीरो से जीरो बनाने आया हूँ। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है, है ना नंबर दो? हाँ? पतलू जी हमें आपका इंटरव्यू चाहिए। पतलू जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ओ पतलू जी, आपके साथ एक फोटो प्लीज। ए मोटे भाई साहब, आप जरा साइड हटो, हमें पतलू जी के साथ एक फोटो खिंचवानी है। थैंक यू। स्माइल प्लीज। मोटू ये क्या हो रहा है, सब शबाशी पतलू अकेले ही ले रहा है। वो सबको कहता फिरता है कि सारे अपराधी वो खुद अकेले ही पकड़ता है। नहीं नहीं, पतलू ऐसा कह ही नहीं सकता, वो मेरा दोस्त है। हेलो, मैं कल तक का रिपोर्टर सिन्हा बोल रहा हूँ। बॉस को फोन दो, उन्हें कहो कि मैंने पतलू सर का इंटरव्यू ले लिया है। पतलू जी ने कहा है कि मोटू जी तो सिर्फ खाने में ही बिजी रहते हैं, सारे अपराधी पतलू जी अपनी अकल से ही पकड़ते हैं। जी नहीं सर, अब मोटू पतलू जी का दोस्त नहीं, उनका चमचा है। वो पतलू जी के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता, ये पतलू जी ने खुद मुझसे कहा है। सर सर सर, मैं कह रहा था कि मोटू, मेरी नजर में तो तुम ही हीरो हो। आज तक मैं जब भी पकड़ा गया हूँ तुमने ही पकड़ा है। ये लो समोसे खाओ और जाके उस भीड़ को सबक सिखा दो, उन्हें बता दो कि बॉस कौन है और चमचा कौन है। चमचा हूँ, मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता, देखा मैं क्या कर सकता हूँ। मोटू तुम ये सब क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे सब समझ में आ गया है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे बिना मैं कैसे अकेले रह सकता हूँ, समझे। मोटू ये लो मेरे ट्रक की चाबी, तुम ट्रक लेके जाओ और शहर के बाहर मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ। हम दुनिया को दिखा देंगे कि तुमको पतलू की कोई जरूरत नहीं। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? बॉस, उस ट्रक में तो स्मगलिंग का माल है, वो मोटू को क्यों दे दिया? शहर के बॉर्डर पे पुलिस की नाकाबंदी है, ट्रक की चेकिंग हुई तो मोटू पकड़ा जाएगा और अगर चेकिंग नहीं हुई तो हमारा माल बन जाएगा। वाह बॉस वाह, क्या आइडिया लगाया है। चमचा गिरी बंद करो, वैन से पीछा करो। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तुम्हारा चमचा नहीं हूँ। मोटू स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ, तुम्हें कानून की कसम, भारत माता की कसम, रुक जाओ। अपनी सारी कसमें अब पतलू को दो, मुझे तुम सब से कोई लेना देना नहीं। स्टॉप, रुक जाओ। मोटू पतलू की जोड़ी टूट गई, अब जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। मोटू को हमें ऊपर बेचने की इतनी जल्दी क्यों है? मोटू बहुत गुस्से में है, हमें उसका गुस्सा शांत करना होगा। हम बचेगा तब ना गुस्सा शांत करेगा, वो तो हम कोई शांत करने में लगा है। रुक जाओ मोटू रुक जाओ, तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम। दोस्ती कसम खाने लायक रखी ही कहा। तुम यहाँ भी आ गए,
अरे क्यों अपनी जान देने पे तुले हुए हो? तुम्हारे बिना इस जिंदगी का क्या मतलब? लेकिन तुम तो कहते हो कि मैं तुम्हारा चमचा हूँ, तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। ये झूठ है, ये सब जॉन की चाल है। मैं तुम्हारे बारे में कैसे ऐसा बोल सकता हूँ? तुमने मुझे कई बार बचाया है, याद है एक बार तो तुमने मुझे शेर से बचाया था। मोटू बचाओ! छोड़ो उसे! खबरदार, मेरे दोस्त को छुआ भी दो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, और हमारी दोस्ती के गाने भी तो बने हैं। ये तुम दोनों कौन सा खेल खेल रहे हो? मेरा तो जीना हराम हो गया। मैं आदमी था काम का, नाकाम हो गया। जॉन, तुम सच बताओ, तुमने क्या चाल चली थी? मोटू को कैसे भड़काया बताओ, वरना तुम्हें नीचे खाई में फेंक देंगे। बताता हूँ, ये सब मेरी चाल थी। वो प्रेस रिपोर्टर, वो फैंस, सब मेरे आदमी थे। मैं तुम दोनों की दोस्ती तोड़ना चाहता था। पतलू, मुझे माफ कर दो, मैं इसकी बातों में आ गया। दोस्ती में नो थैंक यू, नो सॉरी। ये लो, इस ट्रॉफी के असली हकदार तुम हो। तुम्हारी ताकत के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। ये लो, ट्रॉफी तुम्हारी है। तुम लो, ट्रॉफी तुम्हारी है। तुम्हारी है। तुम लो, तुम्हारी है। तुम लो, ये लो, ट्रॉफी तुम्हारी है। तुम लो, ट्रॉफी तुम्हारी है। ए, क्या कर रहे हो? देखो भाई, लड़ना झगड़ना बुरी बात है। तुम दोनों पक्के दोस्त हो। रुक जाओ, दोस्ती से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अभी नहीं रुके तो दोस्ती के लायक नहीं रहोगे। कल रात चोरों ने बैंक लूटने की कोशिश की, पुलिस को उनकी तलाश है। ये तस्वीर वहाँ किसी दुकान के सीसीटीवी कैमरे वाले से ली गई है। कोई और चैनल लगाओ, मुझे न्यूज़ नहीं सुननी। बैंक का रुपया तो बड़ी बहादुरी से बचा लिया। अरे ये क्या लगा दिया? ऐसा लग रहा है कि सारे शहर का ट्रैफिक मेरे कान के अंदर आके हॉर्न बजा रहा है। अरे बंद करो इसे। उड़ी बाबा, इसको बंद करने को बोलता है? ये तो लाखों कमाने का सबसे आसान तरीका है। लाखों कमाने का आसान तरीका? वो कैसे? एक रॉक बैंड खोल लो बस, फिर अपने शोज करो और लाखों कमाओ। अगर रॉक बैंड अच्छा नहीं हुआ तो लोगों के जूते, अंडे, टमाटर भी खाओ। लेकिन रॉक बैंड अच्छा क्यों नहीं होगा? अरे मुझे लाखों कमाना बहुत अच्छा लगता है। घसीटा राम, क्यों ना हम भी एक रॉक बैंड खोल ले? अरे रॉक बैंड खोलने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। हम डॉक्टर झाटका को भी लेके आता है। चलो तैयारी शुरू करते हैं। ओके, जब हम 1 2 3 बोलेगा तब स्टार्ट करना है। एक मिनट। पूरी बाबा, इसको हमारा टैलेंट पे भरोसा ही नहीं है। मुझे हमारे टैलेंट से ज्यादा पड़ोसी के टैलेंट पे भरोसा है। 1 2 3 स्टार्ट। आ गए पड़ोसी, किसी और को भी हेलमेट चाहिए। ओए ओए, क्या कर रहे हो? ओए कान के पर्दे तो फट ही गए।
घर के कांच भी टूट गए। अब तुम लोगों के टूटने का समय है। फिर बजाओगे ये बैंड बाजा? हाँ नहीं। आहा, कितनी शांति है यहाँ। बस कुछ देर का ही मेहमान है। ओ पतलू मेरे दोस्त मेरे यार, इतना नेगेटिव मत सोचो। यहाँ हमें प्रैक्टिस करने से कोई नहीं रोक सकता। ओके लेट्स स्टार्ट। एक मिनट। अरे बाबा ये पतलू कभी नहीं सुधरेगा। ओके लेट्स स्टार्ट। 1, 2 एंड 3। एक हेलमेट एक्स्ट्रा है। ओए मुझे भी चाहिए हेलमेट। पुलिस बाबा मुझे हेलमेट दो। सिर्फ हमारे न्यूज चैनल पर। अयमा कितनी भीड़ आई है। मोटू पतलू तो स्टार बन गए। इस वक्त आप साफ साफ देख सकते हैं कि फुरफुरी नगर के हीरो मोटू पतलू आज अपना पहला परफॉर्मेंस दे रहे हैं लाइव आपके सामने सिर्फ हमारे न्यूज चैनल पर। कैमरामैन राजेश के साथ कुलदीप फुरफुरिया, फुरफुरी न्यूज कब तक। यही कह रहे हैं, देखो कैसे हाथ हिला हिला के हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। और मैं अब एक रॉक स्टार वाली हरकत करने जा रहा हूँ। ओके नॉट ओके, यही रहो। चिंगम सर, चिंगम सर, ये बैंड बंद करवाओ। फुरफुरी नगर के सारे शीशे टूट गए हैं। हाँ। अरे माँ मैं ये बंद नहीं करवा सकता। ये लोग परमिशन लेके प्रोग्राम कर रहे हैं। अरे जॉन द डॉन, अगर तुम ये प्रोग्राम रुकवा दो तो हम तुम्हें 10 दिन तक फ्री समोसे खिलाऊंगा। अब बोलो क्या बोल रहे हो। ओ जी ये प्रोग्राम रुकवा दो बस। तुम हमें जो कहोगे वो देंगे। 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 जो कहोगे वो देंगे। अब ना बजेगा बाजा, ना होगा यहाँ डांस। जल्दी से दे दो मुझे 10,000 एडवांस। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। नंबर दो सर, चिंगम सर, वो जॉन द डॉन हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट चुरा के ले गया। जल्दी कुछ कीजिए। अय्यामा पहली बार जॉन ने कुछ अच्छा काम किया है। सिर्फ मैं नहीं पूरा पुरपुरी नगर आज उसके साथ है। डॉक्टर छटका अब आप ही कुछ करो जल्दी। एक मिनट यार।
अब मोटू पतलू तुम दोनों इस पे खड़े होके ये रोड पकड़ लो जल्दी। बड़े भैया क्या कर रहे हो? अरे चोर को बांधना है हमें नहीं। क्या हमें भारत दर्शन को भेजा था? जॉन तो निकल गया। ओ मोटू मेरे दोस्त, मेरे भाई, गुस्सा मत हो यार। नई मशीन है, कुछ भूल गया था। वापस खड़ा हो जा, इस बार जॉन पकड़ा जाएगा यार। हमको दोबारा ये गोल गोल नहीं घूमना। इस बार तुम उड़ के जाओगे, चिंता मत करो मेरे यार। मोटू पतलू है बॉस, वो कभी हार नहीं मानते। अब भी हार नहीं मानते, अभी उन्हें ऊपर पहुंचाता हूँ। तुम दोनों आ तो गए लेकिन वापस नहीं जाओगे। मेरी रिवॉल्वर की गोलियां कहाँ गई? बॉस, आप जब तीन चार दिन बीमार थे ना, तो डॉक्टर ने कहा था दो दो गोली सुबह, दोपहर और शाम आटे में लपेट के खिलाना। क्या तुम मुझे आटे में लपेट के दो दिन से रिवॉल्वर की गोलियां खिला रहे थे? यस बॉस, हमारे पास तो यही गोलियां हैं। हम उड़ कैसे रहे हैं? जमीन कहाँ गई? नीचे उतारो, नीचे उतारो। पतलू, इसे नीचे कैसे उतारते हैं? डॉक्टर झटका, इसे नीचे कैसे उतारते हैं? तुम चिंता मत करो मेरे यार, मेरे भाई, बैटरी डाउन होते ही वो पंखे बंद हो जाएंगे और ये नीचे उतर आएगी। हाँ चोरों के घर आए हो क्या? तो तुम लोग रॉक बैंड वाले हो, यानी कि अंग्रेजी गाने वाले। हमें अंग्रेजी गाना बहुत अच्छा लगता है। गाओ बजाओ। ये लोग रॉक बैंड वाले हैं, मैं नहीं। मैं हूँ जॉन, जॉन द डॉन, गाते बजाते नहीं। ठीक है, तुम गाओ मत, लेकिन तुम नाचोगे। हाँ मैं नहीं नाचूंगा, हर किस नहीं। नहीं।